कैसा आप सब मिलकर आप सब अच्छे से हो गए। तो आज मेरी मम्मी कुछ स्पेशल बनाने वाली है, चलिए देखते हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। कैनबेरी लिया हुआ है मैंने, किशमिश भी लिया हुआ है, काजू, बादाम, पिस्ता, सबको भून के लेंगे। खाली इसे छोड़कर, इसे हम नहीं भूनेंगे साइड में, ये सब हम भून के लेंगे। और मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है डिलक्स का, सुपर डिलक्स का, रिच एंड टेस्ट का मैंने ये लिया हुआ है। एंड यस, कार्निवल का मैंने कैनबेरी लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो चलिए, ये तो हो गया है, मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा, यहाँ पे इसको चारोली बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, हाँ चारोली बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। तो खैर एनी वेज, चारोली तो मुझे पता है यही बोलते हैं। तो खैर जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो ये देखिए, पूरे मेरे ड्राई फ्रूट्स हो चुके, मैं इन सबको भून कर लूँगी और फिर इसको मिक्स करके इसका पाउडर बनाऊँगी। बट मैंने इसमें खजूर नहीं डाला, बिकॉज मैंने ना खजूर लाई थी बट मैंने ना उल्टा ऐसे कहीं रख दी, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। सेकेंड, मैंने मखना इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को मखना नहीं पसंद, तो इसीलिए वो खाली मैंने दो चीज़ इसमें ऐड नहीं की, अदरवाइज इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गैस जला लिया है। स्लो पे भूनेंगे इसको, फास्ट में बिल्कुल भी नहीं। अखरोट भी डालते हैं, बट इट वॉज माई बैड लक, अखरोट मेरे पास अखरोट नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब मैं मार्केट एक्चुअली डिमांड गई थी तो मेरे को याद ही नहीं था, मैं भूल गई थी। और अभी मुझे बनाना है, बट अभी मेरे पास इतना एक्चुअली टाइम नहीं कि मैं जाके अखरोट लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से डिमांड थोड़ा दूर है। बहुत लोग इसको भूनने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद इसमें शक्कर भी डालते हैं, तो मैं डालूंगी, और बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, बट मैं इसको अच्छे से पूरा भून लूंगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट करने दूंगी, यानी कि ठंडा होने दूंगी, क्योंकि अगर गरम गरम में ही शक्कर डाल देंगे तो पूरा पिघल जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से ठंडा करने के बाद जब मैं इसको पीसूंगी, तब मैं एक कम अमाउंट, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए, लाइक एकदम भी फीका फीका ना लगे, थोड़ा सा शक्कर डालूंगी पीसते वक्त। अगर आपको इलायची डालना है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं फॉर अ टेस्ट, मैं डालूंगी बट, क्योंकि क्या होता है ना, इलायची का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट में। छोटे बच्चों को भी एक्चुअली उसका अच्छा लगता है खुशबू, जो एक खुशबू होती है ना इलायची की, वो बहुत अच्छी होती है। तो यस, मैं डालूंगी बट मैं निकाल लेती हूँ इलायची, क्योंकि मैंने इलायची निकाला ही नहीं है। स्लो पे इसको मैं 10 मिनट भूनूंगी स्लो पे। तो आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 इलायची ली है, ये मैं इसी में डाल दूंगी भूनने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं बट ये मैंने डाला है, बिकॉज क्या होता है, मेरे बच्चे अभी खाली माइशा बहुत छोटी है, बट कबीर से भी माशाल्लाह बड़े हैं, तो क्या वो एक टेस्ट के लिए। अगर आपके पास केसर है तो पीसते वक्त आप इस पे केसर भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि जितना मेरे पास है उतना इनफ है, काफी है, जिनके पास है वो डाल सकते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारे पास जितना है हम उतना ही इसको यूज करेंगे। चलिए
चलिए मैं इसको फास्ट फास्ट थोड़ा हाथ चलाती हूँ और भून के लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए तिल जो है ना इसके अंदर, ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लगा था, तो मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि ज़्यादा अगर भूनूंगी ना तो ये कड़वा हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं अभी छोड़ दूंगी एक 15-20 मिनट के लिए, ताकि एकदम ठंडा हो जाए। अभी गर्म है, ठंडा होने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी अभी। तो ये देखिए मैं अपना काम कर रही थी और इसने अपना काम किया। आज ये देखो इसने क्या कारनामे करके लिया, दिखा। ये देखो गिर कर ये पूरा आँखों के ऊपर सूजा लिया है। देखो इसकी हरकतें है ना, ऐसे है ना, कैसा गिरा जरा बताना तो इधर भी। हाँ भागने कौन बोलता है, देखो भागते भागते ये हरकत हुई है, पूरे आंखों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको फाइट मारा है। ये ऐसे काम करता है घर में। अभी तू थोड़ी देर रेस्ट कर। चलिए मैं जब तक ड्राई फ्रूट ठंडा होता है मैं अपने घर का काम करके लेती हूँ। आज मेरा घर बहुत गंदा है, मैंने तो सफाई नहीं करी हुआ आज, तो मैं जब तक सफाई करके लेती हूँ जब तक ड्राई फ्रूट ठंडे हो जाएंगे और ये भी थोड़ा सा इसका सूजन कम हो जाएगा। मैंने इसको बर्फ़ दिया है, देखो मैंने उसको बर्फ़ दी थैली में डाल के ऐसे खाली लगाना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था सडनली। ये देखो अंधा हो जाएगा अंधा, तो वो थैली भी फाड़ दिया उसने। ये ऐसा मैंने बोला बर्फ़ को खाली ऐसा आँखों के ऊपर रखो, ऐसे रखो, अंधा हो गया। देखो शेबी रख आँखों पे। हाँ वो पूरा पहले फोल्ड कर लो, पन्नी को पूरा अच्छे से पकड़ लो ताकि वो आउट ना लगे ना। हाँ ये अपना घरेलू जुगाड़ है, बर्फ़ ऐसे थैली में डालो, क्योंकि अभी हाथ में ऐसे दूंगी तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। कैसे दिख रहा है देखो, गंदा सा। ठीक तू रेस्ट कर, मैं घर की सफाई करके लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने, ये ठंडा हो चुका है तो मैंने इसको निकाल लिया है, ठंडा हो गया। ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, अभी मिक्स कर दिया। अभी मैं इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा चीनी डालूंगी, क्योंकि चीनी के बगैर क्या है वो एकदम फीका फीका लगेगा। देखिए एकदम मस्त क्रंची, वैसे तो था ही, बट क्या होता है ना फ्राई, इसको हल्का सा भूनने से ना वो एक अलग ही टेक्सचर हो जाता है इसका। तो चलिए ये देखिए, ये तो मेरा हो चुका है। ये मैं इसमें इतना सा ही शक्कर डालूंगी, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकदम मीठा हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोग इसमें शक्कर नहीं डालते, बट मैं डाल रही हूँ। मेरी बेटी आ गई, बेटी मेरी बेटी। क्या है ना मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट क्या चाहिए, फीका फीका उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शक्कर डाला एटलीस्ट वो जो टेस्ट को इनहांस करने के लिए। तो चलिए ये तो हो गया रेडी। मैं इसको ना फ्राई, छी बाबा मुझे ना ऐसा लग रहा कि मैं पता नहीं आज क्या करने वाली हूँ। एनीवेज मैं इसको थोड़ा सा पीस कर लेती हूँ, मैंने ऐड कर दिया है, मैं इसको पीस कर लूँगी। आज मेरी जबान पिसल रही है तो माइंड नहीं करना, होता है कभी कभार। कर लिया मैंने इसको ऐड, अब मैं करती हूँ उसको पीस कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, देख सकते हैं आप एकदम बारीकी से। ये देखिए तो चलिए इसको करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। और मैंने ना मतलब एकदम पाउडर टाइप भी नहीं, थोड़ा सा मतलब इतना रखा है कि मतलब बच्चों के मुंह में तो ऐसा लगे कि हाँ मतलब है कुछ तो है ऐसा। अभी ये क्या है, जैसे रात में जब बच्चे सोते हैं ना, सोने से पहले एक गिलास दूध पीते हैं, तो उसमें एक एक चम्मच भी डाल दिए तो माशाल्लाह।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आई थिंक ये पीने के बाद बच्चे मेरे जो बच्चे थोड़े से हेल्दी हो जाएं। तो ये मेरे पास कांच का जार है जिसमें मैं ये डालूंगी। थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगी। मस्त है, मस्त है, मस्त। कैनबेरी का ना थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आ रहा है मुझे। बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं लगता कि पूरा इसमें आएगा, पर अल्लाह करे आ जाए तो बेस्ट है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा मैं अलग से कोई दूसरे जार में रख लूंगा। बहुत महंगा है, नीचे मत गिरो, मत गिरो नीचे। इसको प्रोटीन पाउडर भी बोलते हैं, मैंने देखा है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो लोग तो खरीदते भी हैं, बट क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग और ऐड करते हैं, बट आई थिंक ये बेस्ट है। मैंने बराबर बोला ये इतना इसमें आएगा, जो बाकी का जो बचेगा मैं अलग से रख लूँगी। तो ये देखिए, मतलब इतना बन कर भी उसमें इतना बचा है अभी। तो चलिए, फाइनली मैंने इसको बॉटल में भर दिया है। तो ये देखिए, एक छोटा एक बड़ा ये बॉटल में आया है, इतना बना है। तो चलिए, आज का मिनी व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही बनाया है या नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसको देखो, इसका निपल है ना, हटता ही नहीं है मुँह से। हाई करो, हाय, बोला हाय। इसके लिए खास करके बना है ये, देखो इसको देखो। अच्छा, टाटा कर लो मम्मी से, बाय बाय कर लो। टाटा बोले, टाटा देखो, जल्दी बोलो। चलिए, अल्लाह हाफिज। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही बनाया या नहीं। बोलो बोलो, टाटा कर लो। चलिए, अल्लाह हाफिज़।